पास्ट टेंस का वॉज नहीं, तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या आपने बोलो बिंदु प्लस कोई नाम, तो सिंपल पास्ट संधि प्लस बिंदु प्लस नंबर, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एप्रोप्रिएट आर्टिकल वर्ब इज क्या है आप बोलो वाज वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू ऑप्शन बी थ्री प्लस इसे कहेंगे पैसिव वॉइस क्या बनती। अब इसका तुम छह बना सकते हो ना, छह का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच, इसका भी छह बना सकते हो। और कैसा फाइन उसी दिया लो एग्जांपल क्या जाए ये बोल एग्जांपल She stole my book. She stole my book. She stole my book. दूसरा Why did she write a story? Why did she write a story? Why did she write a story? Next. When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? When did the police catch the thief? Next. Ajay didn't speak the truth. 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 बनेगा बच्चे। फाइन बोलो पहला क्या है? She stole my book. My book was stolen by her. कोई जाओ my book was stolen by her. Next बोलो why did she write letter? Why was a story written by her? Fine. सबसे बन रहा है ना? Next. When was the thief caught by the police? Next बोलो। Ajay did not speak the truth. बनेगा the truth. Was not spoken by Ajay. The truth was not spoken by Ajay. कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। अब जब देखो अगर मैं कर दूं जैसे हमने कहा सब्जेक्ट क्लास बी टू अदर वर्ड, इसका पैसिव बनाया सब्जेक्ट क्लास वर्ड वर्ड प्लस बी थ्री बाय प्लस और बोलो एज निकला है ना, और इसको हटा दूं तो रियल का जो टूर होगा वहां हो जाएगा। यहाँ हटा दिया, इसको हटा दिया तो बोलो स्वतंत्र हो गया नहीं तो कहा था बाद में दरबार लगा दिया सही। इसको क्या कहते हैं आप? बनवारा करें क्लास, इसी को हम अंग्रेजी बोलते हैं सही है स्पोकन हैंड रिटेन, और आजकल एग्जाम्स में भी बिना बाई का ही पूछ रहा है। बताओ मेरे बच्चे बिल्कुल आपको लत लगा रहा हूं, जब लत लग जाएगी तो इसको छोड़ दूंगा, तो बस डायरेक्ट हो जाए एक बार दिमाग में ये फिट हो जाए ये कुछ नहीं है बस
बाइक के बिना भी पल्स होता है, बस ये आपको दिमाग फिट करना है। फाइन, एग्जांपल लिखो हिंदी में, दो तीन काम। पहला, उसे पीटा गया, उसे पीटा गया। दूसरा, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। तीसरा, आपसे क्या पूछा गया था, 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 आपसे क्या पूछा गया था। फाइन, बना पूरा तो बन गया, सबका अंग्रेजी बन गया बच्चे, बिल्कुल वॉइस आसान लगना चाहिए। पहला क्या बनाया, he was beaten, आसान है, he was beaten। दूसरा बोलो क्या बना, many people were killed, many people were killed, many people were killed। दूसरा क्या है, आपसे क्या पूछा गया था, What were you asked? का मतलब हुआ मारा गया, डैम मतलब मरना। चलो अब देखते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना क्या है। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव बच्चे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के बाद लगाने का मन होता है, देखो आता है विद्री नाउन या विद्री। हमने कहा था जो आता है बिफोर इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और टेंस का नाम पास्ट कंटीन्यूअस, विद्री आता है पैसिव वॉइस, यूज करते हैं हम सिंपल फॉर्म। एडिटिव होता है इसे कहते हैं नॉर्मल वर्ब, नो पैसिव, नो कैचिंग। दूसरा, अ बॉल वाज कैच, अ बॉल वाज कैच। तीसरा, अ बॉल वाज कैच्ड, अ बॉल वाज कैच्ड, अ बॉल वाज कैच्ड। नंबर फाइव, अ बॉल वाज कॉट, अ बॉल वाज कॉट, a ball was caught, C-A-U-G-H-T, caught। बताइए फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट है a ball was catching, राइट में कितने लोग, कोई नहीं, रॉन्ग में कितने लोग, सेकेंड राइट में कितने लोग, a ball was catch में कितने लोग, कोई नहीं, पार्टू थर्ड a ball was catched कितने राइट में, और लास्ट टाइम कितने लोग, ध्यान है बच्चे लास्ट राइट होगा अ बॉल वाज कॉट। कैची क्यों नहीं, सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है, आना चाहिए विद्री, अगर बिफोर तब आता तो लिविंग होता, तो पहला गलत। दूसरा, कैच हो नहीं सकता, क्लियर नहीं। तीसरा,
और बहुत बार कैच कैच नाम का वो शब्द ही नहीं होता, कैच नाम का वो शब्द नहीं होता, क्या कैच कॉट कॉट कैच कॉट कॉट तो जरा बॉल मार यही सब ठीक है समझा क्या बोला मुझे हाँ बीम 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 की बात कर रहे हैं अरे पकड़ने का नहीं बीम होता है ऐसे मतलब आईएनजी का बीम भी होता है यहाँ कहाँ बीम होता है वर्ड कौन सा टेंस का पता है सिंपल बात सर कंटिन्यूस पढ़ रहे हो सर आगे बढ़ो देखो नंबर थ्री है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बच्चे लिखो है प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्लास इज ए मार्क बिफोर एक्टिव वॉइस होगा ना इज ए मार्क गिव प्लस और एक्टिव वॉइस उसमें ना बच्चे गौर से यहाँ पे दो चीज देखना है और देखना ये है कि इज ए मार्क प्लस लिखो जहां कहीं भी आपको आज की बात वर्क का फोर्थ फॉर्म नजर आ जाए क्या नजर आ जाए इज ए मार्क प्लस लिखो लेकिन इज ए मार्क से कोई मतलब नहीं कहां जहां भी क्या लिख जाए लिखो इज ए मार्क हो चाहे उसे कोई मतलब नहीं अगर बिफोर आ जाए तो इस बिफोर को तुम कर लेना बिफोर किसी कर लिया तो पैसिव होगा तो बिजी होगा और बिना एक्सक्लूसिव वर्ब का बिजी नहीं होता इसलिए कंपनसेट के लिए बीइंग का प्रयोग करना तो बिफोर का चाहिए तो बी आई जी फॉर्म प्लस बी बाकी जितने फॉर्म है सबको सेम उतार देना कोई चीज नहीं होगा सिर्फ चेंज क्या होगा वर्ब बाकी जो चाहे वही सेम कॉपी होगा ए इसका पैसिव है बिफोर एक्टिव वॉइस ए पैसिव वॉइस एक चीज सब याद रखना अब बोलो ऑब्जेक्ट टेंस का प्लेस ऑफ सब्जेक्ट टेंस का प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बाकी ऊपर सेम उतार दो इज एम आर बिफोर क्या हमने किया विथ विथिंग का प्लेस को आपका विथिंग बाय प्लस और पैसिव वॉइस हुआ ना ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसे फाइन डाल दिया अब एक झलक बोर्ड पर देखो अब देखो कल्पना करो अगर ये बीइंग नहीं होता देखो तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है कि नहीं सिंपल प्रेजेंट का पैसिव ही नहीं यानी कि वॉइस जितने पढ़ लो होना सब में बीत रही है इसे सारे वॉइस का स्ट्रेक ही होता है दस नहीं होता बस जो जो टेंस से शिफ्ट करता है उसका वर्ब लगा दिया जाता है कंटीन्यूअस का है बी लगा दी परफेक्ट का होगा तो बी लगा देंगे ये दो रूल होता है यहाँ पे जाकर जब बी क्यों लगाया बी फोर को कंपनसेट करने के लिए आई एन जी टच करने के लिए टच दिया यहाँ पे बी लगाया आई एन जी टच करने के लिए अब एक बस सब कुछ सेम है प्रेजेंट का बस एक बार बी लगा देना है हो गया कंटीन्यूअस क्लियर अगर समझो बता दिया इसको अगर मान लो यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट ना हो बाय प्लस ऑब्जेक्ट ना हो वो क्या कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे डायरेक्ट प्लस अब सुन रहा है इसको कहेंगे इसको एग्जाम्पल दिया बिल्कुल अमित में ना रहा हूँ धीरे बाय प्लस को ना दो सबके सब जाएगा स्पोकन लिखते हो बैक प्लस
बकोला दो तबारो का जैसे why are they plucking the flowers, 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 why are they plucking the flowers. Next, why is Raju answering the question, why is Raju answering the question, why is Raju answering the question, why is Raju answering the question. Annu is not singing a song, Annu is not singing a song. voice nahi, पहला क्या बच्चे फर्स्ट इज why are they plucking the flowers, काटने लगा the flowers, why are the flowers being plucked by them, why are the flowers being plucked by them. No problem. Next क्या है, why is Raju answering the question, बनेगा why, why is the question being answered by Raju. Next, Annu is not singing a song, so a song is not being sung by Annu, a song is not being sung by Annu. Ab bolo hindi exam ko dene ki zarurat hai, kar loge na, aise aur ke bol deta hu, jaise humne kaha vegetables are being sold, सब्जियां बेची जा रही हैं, या सब्जियां बिक रही हैं, vegetables are being sold, मकान रंगे जा रहे हैं, building is being colored, रोड की मरम्मत की जा रही है, a road is being repaired, हो जाएगा ना, घर हो गया ना, आगे बढ़े, देखो present, past continuous, past continuous, past continuous, past continuous. बोल बेटा स्ट्रक्चर, हेडिंग क्या बनाया, past continuous, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, बास गुजर, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम पैसिव वॉइस, नो इशू, नो टेंशन, नो परेशानी. फाइन बच्चे, एम पे आंसर करते तो क्या हो जाएगा, अरे मेरी दिन की जरूरत नहीं है, दुष्ट होते सब लोग समझ पा रहे हो ना, ना समझ में आते तो कुछ ना बोलो साहब, तुम्हारा तो वो दिक्कत है, बोलो क्लास में जितना मर्जी पूछो बेटा, क्लास में दाव के लिए से पीछे ना आते, कुछ नहीं सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप अपना काम पूरा करें, ठीक है ना. यहाँ पर
Okay. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. देखा है दूसरा. Why were the children making a noise? 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 Next. The farmer was sowing the seeds. 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 The farmer was sowing a sudden quality. The seeds is the quality is banished. All of you are able to make the sentence. First sentence is. She was writing a letter to her husband. She was not writing to her husband. याद है बच्चे? ये कंसेप्ट सीखो. जब भी कंजंक्शन से कोई लाइन जुड़ा कोई वर्ड कोई भी वर्ड कंजंक्शन से जुड़ा जैसे टू से फॉर से एंड टू जुड़ा उसको आप छेड़े नहीं उसको जहां पे किसी स्थान पे उसी स्थान पे चुपचाप कैरी कर लेंगे जैसे टू और एस में जहां पे है उसको चुपचाप वहीं छोड़ दीजिए तो बनाएंगे कहां से अ लेटर से तो बनेगा अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय her बाद में क्या बचा टू हर लेटर वॉज नॉट बीन रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड नेक्स्ट बोलिए why were the children making a noise तो क्या why was the noise being made by the children why was the noise being made by the children next the farmer was sowing the seeds The seeds were being sown by the farmer. Okay? हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है ना काम चल जाएगा आगे लिखो किसी को डाउट है बच्चे पहला वाला सेंटर पहला क्या अलेटर वाज नॉट बीइंग रिटन हमने कहा अगर कोई चीज कंजंक्शन से जुड़ा हो तो उसको वहीं पे से छोड़ देना है उसको छेड़ना नहीं है अच्छा एक बार नहीं समझ पा रहे समझ गए किसी को दोबारा बोलो तो बदल जाएगा कुछ बेटा चीज पे समझो अगर कोई चीज कंजंक्शन से कहीं भी जुड़ा हो वॉइस में तो जहां पे जुड़ा है वहीं को उसको कैरी करें उसको कुछ छेड़ने का प्रयास ना करें ठीक है लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी आपका बेसिक चल रहा है ना अभी वॉइस में हुआ तो ना रहे हो जो टेंस का है अभी वॉइस रियल का स्टार्ट नहीं हुआ है ये देखो कौन सा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज अ
सर फिर से पढ़ा रहा हूँ हैज अ बिगिनिंग ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, टेक्स द प्लेस ऑफ. ठीक है, अब ध्यान दो ट्रिक्स, ध्यान बच्चे, हमने दो ट्रिक्स दिया, तीसरा ट्रिक्स कहीं भी तुम्हें बीच में याद है, बीच में याद है, आपको हैज चेक नहीं करना, बीच में कहीं है तो सेव बीच में, कोचे नहीं बीच में तो बीच में, बस इस बीच में को कंपनसेट करने के लिए बीन बजाना शुरू कर दो. एक्टिव वॉइस हो रहे यानी कहीं भी बीच में बीन बजा दो सही हो जाता है, बाकी सब सेम तो आपको ऊपर है जेंजिलियंस है घर तो है बीतरी है तो बीत प्लस बीत बाई लगाया प्लस नो प्रॉब्लम. ठीक है, एग्जांपल I have told a lie. I have told a lie. I have told a lie. Dusra. Have you not eaten apples? Have you not eaten apples? Have you not eaten apples? Why has he? Why has he washed washed? Why has he washed the plates? Why has he washed the plates? Next, I have kept my promise. 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 बना लो सब खानों, सबको बनाइए. फर्स्ट बच्चे आई हैव टोल्ड अ लाई, आई हैव टोल्ड अ लाई का बनेगा अ लाई, हैज बीन टोल्ड बाय मी, अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी. दूसरा क्या है? हैव यू नॉट ईटन एप्पल्स, हैव यू नॉट है ना, बनेगा हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय मी. जो है वो कर दो, हैव यू हैव यू कर दो, तो हैव एप्पल्स नॉट ईटन बाय यू, हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय यू. तीसरा बोलो, व्हाई हैज ही वॉश्ड द प्लेट्स, व्हाई हैव द प्लेट्स, व्हाई हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय हिम, व्हाई हैव द प्लेट्स been washed by him. Last क्या है? I have kept my promise. My promise has been kept by me. My promise has been kept by me. बोलो से कुछ क्या? यहाँ तक पास है इसका. पास में भी देख सकते हो. संभावना. पास में भी. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद अगर बी लगाते हैं
बी लगाने के बाद बी को कमन करता होगा ना, एक्टिव वॉइस कौन सा था इसको बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बी तो लगाते हो ना पैसिव वॉइस, प्रेजेंट हैज बीन के बाद बिफोर बी, हैज बीन के बाद विथ यू, है ना, example a letter has been written, a letter has been written, passive voice, a letter has been written, dusra a letter, letter chodo, she has been writing, she has been writing, to she kya bache living or doer hai, she has been writing, clear hai, दोनों से लिखवा दिया हमने, चार भी लिखवाए तो इससे काटना पा लिया, अब तो रॉन्ग करना आ गया ना, इसको राइट लिखवा दो, बोलो बुझाते है, अगला लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सिर्फ आज फिनिश कर देना है, इसके बाद समाप्त, पास्ट परफेक्ट बोलो इसको, चल हेडिंग क्या बनाया, past perfect subject plus have plus be three object active voice same structure subject plus had been be three by object passive voice है ना, इसके positive वही कर तो had been, तो इसमें आया तो समझ आ गया, एग्जांपल लिखो जी, आसान द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगन, द चिल्ड्रन हैड, the children have eaten all the cakes, the children have eaten all the cakes before the party began, the children had eaten all the cakes before the party began, the children have eaten all the cakes before the party began, b e G A N begin, ठीक है, दूसरा देखो, the players had won the match, the players had won the match before Sachin came, the players had won the match before Sachin came, the players had won the match before Sachin came, the players had won the match before Sachin फाइन, बताओ बना दो इसको, तो हमने पहले बोला था जो लाइन कंजंक्शन से जुड़ा हो उसको जहां वही उठा दीजिए, बच्चे पहला क्या है, बिफोर द पार्टी बिगन से मतलब नहीं बनेगा, ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन,
all the cakes had been eaten by the children. But yeah, before the party began, all the cakes had been eaten by the children before the party began. Prapati, dusra se vaisre ban jayega. The match had been won by players before Sachin. Okay. Now, इसके साथ वॉइस लाइक पा समाप्त नोट वॉइस लाइक पा समाप्त हुआ है. अभी तो वॉइस करूंगा पूरा बात. देखिए नोट नोट लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एन ओ टी बेटा नोट लिखो नोट एन ओ टी. अब नोट लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Present perfect continuous tense. Comma. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Tisra. Future continuous tense. Future continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता. इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता. इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता. का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता. आपके पास क्वेश्चन होगा सर क्यों नहीं बनाया जाता. राइट बनाकर देखते हैं क्यों नहीं होता है. तो लिखो एक टेस्ट ट्राई करते हैं. चारों पांच शब्द लगभग सेम होता है. चारों पांच शब्द लगभग सेम होता है. तो लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हेडिंग बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. A structure you know very well. Subject class has, have, been, before, object. इसे कहते हैं active voice. Clear? हमने आपको भी tricks दिया था. क्या tricks दिया था? जहाँ भी before आ जाए क्या करना? Being. बच्चे बाकी सबको सेम था ना. क्या बिफोर आ गया था बना तो आसान हो. सब्जेक्ट क्लास सब कुछ सेम हैज बीन बीन बाय क्लास. इसमें क्या है पैसिव वॉइस है बच्चे. ठीक है एग्जाम्पल इसमें पहले बताता हूं. बता दे इसको बता दिया. तो एक एग्जाम्पल शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर. शी हैज बीन writing a letter. She has been writing a letter. She has been writing a letter. इसका भाई कैसे इसका पैसिव बनाइए क्या बनेगा. A letter. A letter has been written by her. A letter has been being written by her. अब देखते हैं सर ने कहा नहीं बनता. देखते हैं बोर्ड पे. देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे क्या लिखा है. दोनों बी बी है कि नहीं. बी बी तो एक बी तो सही है.
ये दो बी कैसे हो गए? एक सेंटेंस में दो बीवी नहीं है। जिस प्रकार एक घर में दो बीवी संभव नहीं, उसी प्रकार एक सेंटेंस में दो बीवी संभव, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। बी बी एक बार बी आ गया, दोबारा बी कैसे आ सकता है? दो बार बी बी नहीं आ सकता, क्या बनेगा ना? दो बीवी संभव, एक म्यान में दो तलवार, एक बार भी हो गया थोड़ा भी नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या आता है? गलत होता है। अगर कोई बताए पढ़ाए तो आप कह सकते हो गलत क्यों है, रीजन क्या है, तो सेंटेंस गलत हुआ ना? बनाने को बनेगा जरूर नहीं, बट बनेगा तो गलत होगा ना। तो नहीं बनाया जाता, ये कहेंगे नहीं बनता, नहीं कर सकते, बन तो सकता ही लेकिन वो गलत होता है। कोई दिक्कत है? तो मुझे लग रहा है कल यहीं तक पर, क्योंकि इससे आगे पढ़ाने में तो खींच हुआ ज्यादा, एक फिर से फेल हो जाएगा कोर्स पूरा करना। ठीक है, तो कल फिर से आते हैं वॉइस के लिए। थैंक यू वेरी मच।